सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली मैंने रिएक्शन वीडियो तो ऑलरेडी डाल दी है। सिद्धू मूसेवाला का गाना आया है अभी अभी SYL, उसका रिव्यू करने वाले हैं, उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं। मे बी मैं सारी वीडियो हिंदी में बनाऊंगा या पंजाबी में, ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लेट्स गो विद द फ्लो। सो अभी अभी रिलीज हुआ है सिद्धू मूसेवाला का गाना SYL। सो रिलीज होते ही उस गाने ने जो जो रिकॉर्ड पैदा कर दिया, उन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मे बी कुछ सबसे बड़े रिकॉर्ड है, जैसे कि इस गाने पर 1 घंटे के अंदर कितने व्यूज चले गए और कितनी हाईएस्ट प्रीमियर वॉचिंग थी, और बाकी सब बातों के बारे में जो इस गाने के अंदर हुई हैं, और उन सब गंभीर मुद्दों के बारे में जो इस गाने में उठाए गए हैं सिद्धू मूसेवाला की ओर से। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम ओवरऑल सॉन्ग रिव्यू करते हैं। सो बात की जाए इसके म्यूजिक की, जो कि है मर्सी ने। नो डाउट म्यूजिक इज लिट, मर्सी बहुत इनक्रेडिबल काम करता है और मुझे काफी अच्छी लगी मर्सी और सिद्धू की जोड़ी इस गाने में। मतलब बीट पे मर्सी था और माइक पे सिद्धू था। सो SYL मतलब सतलुज यमुना लिंक। सो ये गाना पंजाब और हरियाणा की जो पानी के पीछे फाइट है, हरियाणा कहता है पंजाब को कि मुझे पंजाब का पानी चाहिए, और पंजाब कहता है पानी छोड़ो, हम आपको एक बूंद तक नहीं देंगे। सो इसी मुद्दे को लेकर बेसिकली इस गाने की हुक लाइन लिखी गई है और ये गाना बना है। और इस गाने के अंदर काफी गंभीर मुद्दों के बारे में बात की गई है, जैसे कि बंदी सिंह की रिहाई। हम शुरू से लेकर एंड तक पूरे सॉन्ग का विद लिरिक्स ब्रेकडाउन करते हैं। सो इस गाने के स्टार्टिंग में एक वोकल चलाई गई है जो मे बी खटड़ा की है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो एक किसी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की है। सो मुझे इसके बारे में तो नहीं पता कि वो किसकी वोकल है, बट उस वोकल में वो बंदा कह रहा है कि हम 2024 और 25 तक हरियाणा को पंजाब का पानी ला के देंगे। ये वो बंदा वादा कर रहा है, और इस बंदे को रिप्लाई करते हुए सिद्धू फर्स्ट पैरे में ये बातें कह रहा है। सो इस गाने की स्टार्टिंग में सिद्धू मूसेवाला रिप्लाई देते हुए कह रहे हैं कि जब तक आप हमें हमारा बैकग्राउंड, मतलब हिमाचल पहले पंजाब का था, चंडीगढ़ भी पहले पंजाब का था, और हरियाणा भी पंजाब का था, जब तक गवर्नमेंट मतलब कि सरकार हमें वो चीज़ें नहीं दे देती, हम पानी छोड़े एक तुपका भी नहीं देंगे आपको पानी का। और उसके बाद इस गाने में बात हो रही है संत भिंडरा वाले के बारे में और जो बंदी सिख हैं उनके बारे में। सो बेसिकली इसमें सिद्धू मूसेवाला सीधा गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए बोल रहा है, या उन लोगों को टारगेट करते हुए बोल रहा है जिन्होंने संत भिंडरा वाला को आतंकवादी कहा है, और शुरू से सिखों को आतंकवादी बोलते आ रहे हैं कुछ लोग। उन लोगों को देते हुए कहा है कि उस टाइम आप सबको पता है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तब श्री हरमंदर साहिब पे अटैक किया गया था, हमारे गोल्डन टेंपल पे संत भिंडरा वाले को मारने के लिए हज़ारों की फौज गई थी, और जो अंदर से उनका सामना कर रहे थे बचने के लिए, जो अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए उनसे लड़ाई कर रहे थे वो आतंकवादी थे, या जो उनको हज़ारों की तादाद में अंदर मारने गए थे वो आतंकवादी थे। और इस लाइन को आप काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ी बात बोल दिया इसमें सिद्धू मूसेवाला ने कि हाँ हमें क्लैरिफिकेशन दो उस समय आतंकवादी कौन था। और इसके बाद बात होती है बंदी सिखों की, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है लेकिन गवर्नमेंट उनको रिहाई नहीं दे रही, उनकी रिहाई दे दो और इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दो, हम पानी दे देंगे लेकिन उससे पहले पानी छोड़ो एक तुपका तक नहीं देंगे। सो इसके बाद गाने में बात हो रही है सिखों और कुछ टोपी वालों के बारे में, मतलब मेरी टोपी के बारे में नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की टोपी पहन के, कुछ पार्टियों की टोपी पहन के सर पे खुद को काफ़ी बड़ा समझने लग जाते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जो सिखों को टारगेट करते हैं, और उनका और कुछ फौजियों का विजुअल दिखाते हुए वीडियो में बोला है कि हमसे क्यों कहते हो टोपी वालों। और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला कह रहे हैं बिना मांगे मुफ्त की सलाह भी नहीं देते और आप हमसे हमारा पानी मांग रहे हो। सो इसके बाद गाने में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मोड आ जाता है और कुछ पंजाबियों को सीधा सीधा टारगेट किया गया है। बेसिकली मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जब 26 जनवरी को हमारे दीप सिद्धू ने लाल किले पर एक केसरी झंडा जुला दिया था, तब उसके बाद काफ़ी पंजाबी लोगों को भी उससे दिक्कत हुई थी। अबू मान लेजेंडरी सिंगर है पंजाबी इंडस्ट्री के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि मुझे ये सब देख के काफ़ी दुख हुआ जो भी उस टाइम पर हुआ। बेसिकली उनके फैंस के अकॉर्डिंग वो ये बोलना चाहते थे कि जो भी उस टाइम सर्कमस्टांसिस हुए, जो भी उस टाइम बहुत बेइज्जती हो गई थी पंजाब की और उस आंदोलन की, उसके उनसे उनको काफ़ी दुख पहुँचा, ना कि झंडा उतारने से उनको दुख हुआ। बाकी इस चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकता कि उन्होंने किस चीज़ को टारगेट करते हुए बोला था, लेकिन सिद्धू मूसेवाले ने सीधा टारगेट किया है अड़ब पंजाबी यानी कि बब्बू मान को, और कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब बेसिकली दोगला हमारे पंजाबी का वर्ड है, कुछ लोग ऐसे हैं इधर भी हिसाब रखते हैं और उधर भी हिसाब रखते हैं, उनको दोगला कहा जाता है। जब लाल किले पर झंडा जुलाया गया था तो उसके बाद अड़ब पंजाबी रो क्यों रहा था, तब उसकी पंजाबियत कहाँ गई थी। और उसके बाद सिद्धू कह रहे हैं कि जब तक हम दोगलों के बान ही दे देते हैं, मतलब हमारे पंजाबी में ऐसी स्लैंग बन चुकी है, ऐसे बोल देते हैं, सो जब तक हम उन दोगलों को उनका सबक सिखा नहीं देते तब तक हम पानी छोड़ो तुपका भी नहीं देते। और उसके बाद पानी की वैल्यू की और एक अनक की बात की गई है कि पानी का क्या है, पानी तो पुलों के नीचे से गुजर जाएगा, या तो आप सिखों को भी और पंजाबियों को भी अपने साथ रला लो, क्योंकि यार बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है कि पंजाब को काफ़ी पीछे धकेला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और सिद्धू मूसेवाला कह रहा है कि या तो हमें भी अपने साथ शामिल कर लो, अगर आपका यही बर्ताव रहा तो आप पंजाब के पानी पर आँख रखनी छोड़ दो, क्योंकि पानी की जगह हम आपको एक बूंद तक नहीं देंगे। सो आज शाम को 6 बजे इस गाने का प्रीमियर सेट किया गया था। जैसे ही ये गाने का प्रीमियर लाइव होता है 500K मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके
प्रीमियर में ज्वाइन थे, 5,00,000+ लोगों ने इसका प्रीमियर देखा, जो कि इंडिया में बेसिकली सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है, नॉट इन वर्ल्ड। कुछ न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। सो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले BTS का जब बटर गाना आया था उसके प्रीमियर पे भाई कुछ इतने लोग जुड़े थे, आप देख सकते हो। ओवरऑल YouTube इंडिया पे ये सबसे बड़ी वीडियो है जिसके प्रीमियर को 500K मतलब 5,00,000 से ज़्यादा लोग देख रहे थे। और उसी के साथ साथ इस गाने के 59 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए, इस गाने ने 4 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे, जो कि सबसे बड़ी बात है भाई। मुझे लगता है सिद्धू मूसेवाले के करियर का ये सबसे बड़ा गाना तो ऑलरेडी बनने वाला है, ऑलरेडी बन भी चुका है। मुझे लगता है इसी के साथ साथ इंडिया में आज तक 1 घंटे के अंदर 4 मिलियन व्यूज़ किसी गाने पर नहीं आए। मुझे लगता है कुछ गाने हो सकते हैं जिनपे आए होंगे, बट अकॉर्डिंग टू माई स्टडी पंजाबी इंडस्ट्री का ये सबसे पहला गाना है जिसपे इतने व्यूज़ आए हैं। विद इन 2 आवर्स ये गाना #11 पे ट्रेंड कर रहा है, और मे बी कुछ मिनटों में या कुछ पलों में ये गाना #1 ट्रेंडिंग करने वाला है। सिद्धू के फैंस की एक डिमांड है कि इस गाने को वर्ल्ड का मोस्ट कमेंटेड गाना बनाना है YouTube के ऊपर, और इस गाने को 30 मिलियन कमेंट्स चाहिए भाई। सो अगर आप सिद्धू के फैन हो, नहीं भी हो, कमेंट करो, 4-5 तो मैंने ही कर दिया भाई, आप भी करो। और इसके बाद गाने में उस मेन कैरेक्टर की बात होती है, मतलब सरदार बलविंदर सिंह जटाना, जो इस गाने के मेन टॉपिक हैं और जिनको डेडिकेट किया गया है ये गाना, जिनको बेसिकली ट्रिब्यूट किया गया है ये गाना। बलविंदर सिंह जटाना एक ऐसे शख्स थे जिनके डर से SYL आज तक बंद पड़ी। वैसे तो उनका कत्ल कर दिया गया था एक झूठे पुलिस मुकाबले के अंदर, बट उस बंदे ने SYL को प्रॉपरली ठप कर दिया गया था। और इस गाने के विजुअल में दिखाया गया कि और एक नदी है जो SYL है, और उसमें बम चला दिया गया था और वो ख़त्म कर दी गई थी, बीच में से तोड़ दी गई थी, और मतलब पूरी तरह से रोक दिया था बलविंदर सिंह जटाना ने SYL को। और सरकार को सीधा सीधा धमकाते सिद्धू मूसेवाला कहते हैं कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो एक बलविंदर जटाना और आएगा। और भाई इसी के साथ ये गाना ख़त्म होता है, और भाई मुझे लगता है प्रॉपरली पंजाबियों के सुनने के लिए ये गाना बना था और प्रॉपरली पंजाबी बेस्ड गाना था, लेकिन मुझे काफ़ी व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे कि भाई आप हिंदी में बनाया करो। सो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू तो करने वाला हूँ, सो पंजाबी गाने का पंजाबी में रिव्यू करूँगा तो कम ऑडियंस रीच कर पाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाऊँ, ताकि जो हिंदी वाली ऑडियंस है उनको भी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि एक्चुअल में गाने के लिरिक्स क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके लास्ट में एक ऑडियो चलाई गई है जिसमें पंजाबियों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने तो लंदन जाके जनरल एडवायर को मार दिया था, मतलब ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते। आने के एंड में पंजाब के लोगों को एक संदेश दिया गया कि आप पानी की वैल्यू को समझो, हमारा पानी हम ही बचा सकते हैं, नहीं तो पंजाब में भी बहुत दिन दूर नहीं जब सूखा पड़ जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। मेरे अंदर जितनी हिंदी थी मैंने सारी खत्म कर दी, हूँ मेरे तो पैंचो हिंदी नहीं बोली, यानी आज के बाद मेरी हिंदी खत्म होती है। बाकी आपने जो करना है लाइक कमेंट, जो गालियां वालियां देनी है कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं बंद नहीं करता।